नमस्कार, मैं समुलाल रावल। आज आपको मिले द्वितीय वर्ष में हमारा पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण। इस पेपर में पढ़ूंगा, आज का हमारा जो प्रकरण है वो है शैक्षिक नवाचार। ठीक है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत हम जो है पूरी भूमिका को जानेंगे। देखो, यह हमारी जो श्रृंखला है वो चल रहा है व्यावसायिक संगठनों की सहभागिता, तो उसके अंतर्गत सुझाव दिए गए और सुझावों के माध्यम से शैक्षिक नवाचार को अपनाया गया शिक्षण प्रक्रिया में। तो कौन कौन से शैक्षिक नवाचार है उसके विषय में जानते हैं। तो हमको मुख्य रूप से इससे पूर्व जो चलता था उसका नाम था वार्षिक योजना। वार्षिक योजना कार्यक्रम चलता था, लेकिन वार्षिक योजना पाठ योजना के अलावा और क्या शिक्षण में जो है नए तत्वों को शामिल किया जाए, तो उस पर विशेष गौर किया गया। तो कौन कौन से शैक्षिक नवाचार है उस पर चर्चा करते हैं। तो हमें मुख्य रूप से चार प्रकार के शैक्षिक नवाचारों को जानना है। इकाई योजना, इकाई योजना नंबर दो है शैक्षिक भ्रमण। तीसरा है सूक्ष्म शिक्षण। और चौथा है मस्तिष्क उद्वेलन। ये चार प्रकार के शैक्षिक नवाचारों को लागू किया गया है प्रशिक्षण के अंतर्गत, जिसमें इकाई योजना है, फिर शैक्षिक भ्रमण है, सूक्ष्म शिक्षण है और मस्तिष्क उद्वेलन आता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण को माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, शैक्षिक भ्रमण को सरस्वती यात्रा भी कहते हैं। सरस्वती यात्रा कहते हैं और मस्तिष्क उद्वेलन को और बुद्धिशीलता भी बोलते हैं। इसी को जो बुद्धिशीलता भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत चार प्रकार के शैक्षिक नवाचार में शिक्षण तत्व आते हैं। इकाई योजना, शैक्षिक भ्रमण जिसको सरस्वती यात्रा बोलते हैं, और सूक्ष्म शिक्षण और मस्तिष्क उद्वेलन या बुद्धिशीलता मस्तिष्क विपणन, एक ही नाम है। ठीक है, पहला है सूक्ष्म शिक्षण।
माइक्रो टीचिंग, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण को 1973 से भारत में लागू किया गया है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों द्वारा किया जाता है, ना कि छात्रों द्वारा। ठीक है, छात्र अध्यापकों के रूप में सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 छात्र अध्यापक होते हैं। प्रकार से 36 मिनट का समय जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में लगता है, ठीक है, यह पूरा एक चक्र है।
पाटीविज्ञान की फिजिक्स में पूर्ण पाटीविज्ञान शिक्षण और प्रश्न पुस्तक। इस प्रकार से जो है पाठ योजना का जो है सूक्ष्म शिक्षण योजना का चक्र चलता है। यह शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। पहले जो शिक्षण प्रक्रिया चलती थी उसके अंतर्गत यह जो है उपागम शामिल नहीं किया गया, बाद में इसको शामिल किया गया। ठीक है, यह था सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण में अमेरिका में 45 मिनट का जो है सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है, भारत में इसका समय 36 मिनट है। वैसे सूक्ष्म शिक्षण का जो समय है उसे सूक्ष्म शिक्षण कितने समय का होता है वो है 5 मिनट का जो सूक्ष्म शिक्षण लगा क्या। ठीक है, यह था सूक्ष्म शिक्षण। अब दूसरा है शैक्षिक भ्रम। शैक्षिक भ्रम तीन प्रकार का होता है। एक सप्ताह तक का दीर्घकालीन भ्रमण होता है। लघु भ्रमण में बालकों को स्थानीय ज्ञान करवाया जाता है, स्थानीय क्षेत्र का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे डॉक्टर है, सिनेमा घर है ना, कोई स्टैच्यू है स्थानीय जो विद्यालय के 1-2 किलोमीटर के दायरे को। अल्पकालिक भ्रमण एक दो दिन का होता है, जैसे कोई किला हो, सांस्कृतिक धरोहर हो, उसको दिखाना। और दीर्घकालिक भ्रमण जो विद्यालय से काफ़ी दूर मोटर वाहनों के माध्यम से बालकों को ले जाया जाता है, वहाँ पर दीर्घकालीन भ्रमण करवाया जाता है, जिसमें एक सप्ताह तक का उनको ज्ञान करवाया जाता है। तो ये शैक्षिक भ्रमण नवाचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण से बालकों को जो है प्रत्यक्ष विषय का ज्ञान हो जाता है। अब तीसरा है बुद्धिशीलता। बुद्धिशीलता या इसी को बोलते मस्तिष्क शुद्धि। मस्तिष्क शुद्धि ठीक है, अर्थात एक बुद्धिशीलता ये होती है कि बालक या प्रशिक्षणार्थी है वो अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। ठीक है, और उनके सामने कोई भी समस्या उपस्थित कर दी जाती है, समस्या को रख दिया जाता
छात्र अध्यापकों के साथ किसी भी प्रकार की समस्या जाता है और समस्या का समाधान मस्तिष्क विपलन या मस्तिष्क उद्वेलन के आधार पर करते हैं। ठीक है, मस्तिष्क देखो इसमें जब किसी समस्या का समाधान करने छात्र अध्यापक बैठते हैं तब सर्वोच्च बुद्धि का उपयोग किया जाता है। सर्वोच्च बुद्धि का उपयोग इस समय किया जाता है जिसमें लिखित या मौखिक का ज्ञान उन्हें जो है प्राप्त हो सकता है। कंप्यूटर ज्ञान है, व्यावसायिक ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक ज्ञान है, पर्यावरण होता है। इकाई जो इकाई चिंता पाठ योजना का विस्तृत रूप है। हमारी जो पाठ योजना होती है
उत्पाद योजना का विस्तृत रूप इकाई योजना के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, इकाई पाठ्य पुस्तक में से इकाई को ढूंढ लिया जाता है ठीक है, और उसके पश्चात इकाई योजना तैयार की जाती है। इकाई में अलग अलग खंड होते हैं जिसके आधार पर काम योजना बनाई जाती है। ठीक है, खंड के आधार पर पाठ का निर्माण किया जाता है। यह कई कई पाठ योजना को लाने का समय और वर्ग को जाना पाठ योजना को लाने का श्रेय किसको जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है, लेकिन जो इकाई योजना है इसको लाने का श्रेय मॉरिसन को जाता है। अर्थात इकाई योजना का जनक किसको कहा जाता है? मॉरिसन को। इकाई योजना का जनक मॉरिसन को कहा जाता है। ठीक है, इकाई योजना का जनक कौन है? मॉरिसन। सरस्वती यात्रा क्या है? सरस्वती यात्रा से तात्पर्य है शैक्षिक भ्रमण का आगमन। क्योंकि जो शिक्षा है, शिक्षा की जननी माँ सरस्वती को माना जाता है। शिक्षा की जो जननी है, ठीक है, नर्मदा शैक्षिक शिक्षा से प्रमाण शिक्षा की जननी सरस्वती, इसलिए सरस्वती यात्रा इसको बोला। ठीक है, शैक्षिक नवाचार को किसने लागू किया है? शिक्षक शिक्षा मानता है। शिक्षक शिक्षा जिसको बोलते हैं सीटी, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सीटी कहते, इनके सुझाव और इनकी अनुशंसा पर सुझाव या अनुशंसा पर अनुशंसा जो है शैक्षिक नवाचार को अपनाया गया।
नवाचार को विद्यालय में अपनाया गया। इन्होंने अपने सुझाव दिए, उसके आधार पर अनुशंसा पर शैक्षिक नवाचार को विद्यालय में अपनाया गया। शैक्षिक नवाचार क्या है हमने जो विस्तारित पूर्वक जान लिया, ठीक है। शैक्षिक नवाचारों की आवश्यकता की पड़ी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार है व्यावसायिक प्रशिक्षण है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है जो है शैक्षिक नवाचार की आवश्यकता महसूस की है, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने शैक्षिक नवाचार के जो चार मुख्य तत्व थे उसके बारे में विस्तारित पूर्वक जाना। अब इससे संबंधित आपके लिए आज का बेहद आगे है शैक्षिक भ्रमण की व्यावसायिक उपयोगिता को समझेंगे। छात्र जब तो अपने आप को कोरोना महामारी से बचाते रहो, मुंह में मास्क लगाओ, हाथ सैनिटाइज करो और जो बीमार व्यक्ति है उससे दूर रहो, ठीक है। थैंक यू।